नमस्कार दीपहर खबर को आपण को स्वागत करुच्छे मु ज्योतिर्मयी। राज्यर विभिन्न अंचल अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर देखा मात्र 10 मिनिट भितर हेले प्रथम देखा कौन रही आज हेडलाइंस। सुप्रीमकोर्ट ऐतिहासिक राय पर किए प्रीति बा व्यभिचार अपराध नुहे, आईपीसी धारा 497 को असांवैधानिक कहले कोर्ट। आंदोलनरत कर्मचारी कठोर है सरकार, लागू है कम ना तो दरमा ना नीति, स्कूल और गणशिक्षा विभाग लागू कला नियम। त्रिपुर में ओडिया छात्र छात्री को निर्यातना, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 90 बीएड छात्र छात्री आणिले अभियोग, पुलिस तदंत जारी। जाजपुर अभावनीय घटना, पुओर मृत्यु पर विष पी आत्महत्या कले बापामा, पुलिस अपमृत्यु मामला रुजु। आज विश्व पर्यटन दिवस, भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में स्वतंत्र कार्यक्रम, विमान बंदर और रेल स्टेशन में पर्यटकों को स्वागत। वर्तमान संपूर्ण खबर। सुप्रीमकोर्ट को ऐतिहासिक राय पर किया प्रीति बा व्यभिचार नहीं सुप्रीमकोर्ट को बड़ राय। व्यभिचार आईन को उच्छेद कले सुप्रीमकोर्ट, आईपीसी धारा 497 को असांवैधानिक कहले कोर्ट। पर किया प्रीति बा व्यभिचार एक अपराध नुहे बोली कोर्ट कहते। आंदोलनरत कर्मचारी कठोर हेले राज्य सरकार, काम ना तो दरमा ना। आंदोलनरत कर्मचारी सरकार रखिंट एपरी कड़ा आभिमुख्य, विभिन्न दाबी नहीं आंदोलन चल कर्मचारी प्रति काम ना तो दरमा ना नीति लागू करने राज्य सरकार निष्पत्ति। प्राथमिक पर्यायर स्कूल और गणशिक्षा विभाग यह नियम लागू कर आंदोलन चल शिक्षक अध्यापक मैंने कम जोग नदे दरमा बंद करने को विभाग निष्पत्ति। काम ना तो दरमा ना नीति लागू करने विभाग निर्देशकों को अतिरिक्त सचिव निर्देश देती चिठी माध्यम यह निर्देश दि जा। अखिल भारतीय औषध व्यवसायी महासंघ डाकरा राज्य में आसंता काली औषध दुकान बंद रखा निष्पत्ति। उत्कल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन इ फार्मासी और ऑनलाइन औषध बिक्री को विरोध कर बंद डाकरा दि जा। एसोसिएशन पक्षर अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन में सभापति सत्यनारायण कहते कि ऑनलाइन व्यवसाय केवल वाणिज्यिक दृष्टिकोण नुहे बर लोक स्वास्थ्य व्यवस्था उपर यार प्रभाव पड़े। यह प्रस्ताव को बंद करने केन्द्र सरकार को अभियोग प्रदान कर स्मारक पत्र प्रदान करा। सरकार कौन दृष्टि नदे जो सर्वभारतीय स्तर में औषध दुकान बंद रखा निष्पत्ति। बंदर जरूरी कालीन सेवा जपरी बंद न हुए से राज्यर समस्त सरकारी बेसरकारी डाक्तरखाना परिसर में औषध दुकान खोला रहिबो। आगामी दिन में सरकार एथिप्रति गुरुत्व न दिखती परिणाम भयंकर हो। त्रिपुर में ओडिया छात्र छात्री को निर्यातना, अगरतला स्थानीय लोकों निर्यातनार शिकार होता अभियोग। अगरतला स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एकलव्य कैंपस 90 रु अधिक बीएड छात्र छात्री पढ़ुंट, 10 जन ओडिया शिक्षक रही। गतकाली छात्र छात्री को स्थानीय लोके आक्रमण करपरिकी छात्र छात्री रास्त आक्रमण करना पड़ी। स्थानीय पिला पाठ पढ़वार सुजोग नद अगर राज्यर पिला सुजोग दि जा आक्रमण छात्र छात्री माने कहते। घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत जारी रखी सेपटे स्थिति एवं नियंत्रण थी जमापड़ी। लोकल छात्र माने दीर्घ 8-10 दिन धरी स्ट्राइक करते आम कि चुप रही जिते सब सहार शेष सीमा बाहर हो गला से आम जिते कलेज गलु अभियोग जानवाई भितर थी आम कि छात्र आसुले गेट बाहर लोकल लोक मैंने एकत्रित थे और पुलिस भितर था जिते आम छात्र मैंने भितर को जीवा चेस्ट कले से आमर जन भाई पुओ भाई पुओ भाई मैंने जो मैंने थे से माड़ होते भौणी मैंने छड़ेवाक गले से झील मैंने भी देखे माड़ मारिकी केन्दुझर जिला चंपुआ बनांचल अंतर्गत सोलोगोड़ गांव में हाथी आतंक देखाई। गत रात गांव में गोटे 22 चकिया हाथी पोल व्यापक क्षयति घटी। गांव में पशि लोकों घर भांगी लोके आतंकित तो अवस्था थी बेले वन विभाग से ही समय पहुंची पार फल लोक मनरे आहरी भय सृष्टि। एबि हाथी पोल लक्ष्मी पशि निकट में रही लोके भयभीत होती। पुओर मृत्यु पर बापामा विष पी आत्महत्या करती एक अभावनीय घटना घटी जाजपुर जिला पिंछारपुर थाना अंतर्गत करीसाही। मृतक द्वय हेले प्रदीप जेना और प्रभाति जेना। सूचना अनुसार यह दंपति एकमात्र पुओ ओम थालासेमिया रोग से पीड़ित था। प्रतिमास रक्त दि जाऊला। गत सोमवार दिन तक अवस्था गुरुतर होता। प्रदीप और प्रभात कटक बड़ डाक्तरखाना को नहीं आईसीयू रखा जाता तेज चिकित्साधीन
अवस्था ओमको मृत्यु होता पुओर मृत्यु मृयमाण हो उभय प्रदीप और प्रभाती विष पी से विलंबित समय जाए घर कबाट न खोलिबारु पर लोके कबाट भांगी से गुरुतर अवस्था उद्धार करते गुरुतर अवस्था से डाक्तखाना निया सेठारे उभय को मृत घोषणा करते डाक्तर पुलिस अपमृत्यु मामला रुजु कर तदन चल बालेश्वर नीलगिरी बंध साहिरे एक अभावनीय घटना घटी जाइछि। युवक जनक एक ब्लेड साहाज्यरे निज गला काटी कुओं को डेई पड़िछंती एने कारण अस्पष्ट रहिछि। अग्निशम कर्मचारी द्वारा उद्धार कार्य जारी रहिछि। खोर्धा जिला बलगड़ ब्लॉक अंतर्गत संपुर स्थित पर्वत शिखर से श्री रघुनाथ देवों पीठ मंडन हो मंडनगिरी पर्वत शिखर से सर्वपुरातन मंदिर 1462 मसीहा श्री श्री रघुनाथ देव विजय होता जना जाए। पहाड़ पर्वत सौंदर्य घेरा ही मंदिर स्थल भाग प्राय 2000 मीटर उच्चतार मंदिर निकट में एक जल भरा पुष्करिणी समस्त को आकर्षण कराए। मंडनगिरी पर्यटन स्थल मान्यता पाई सरकार दृष्टि पड़ी नहीं बहु समस्या और अवहेलित अवस्था यह पड़ रही एपर्यंत यह स्थान को बिजुली किंबा रास्ता पहुंची पारि ना ओडिशा रे रही पर्यटन स्थल भितर यह एक पर्यटन स्थल एथप्रति सरकार दृष्टि पड़े अंचलवासी स्वप्न सहित अंचल पुरतन ऐतिह्य बची पार नेहरू युवकेंद्र खोर्धा भुवनेश्वर प्रयोजित पर्यटन दिवस पर्व पालित हो मंडनगिरी मंदिर में साधु रामदास महाराजों पौरोहित्य एक सभा अनुष्ठित होता एही सभारे मुख्य अतिथि भावे सांबादिक तथा समाजसेवी प्रसन्न कुमार स्वाई जोगो देथिले। मुख्य वक्ता भावे सांबादिक निरंजन नायक उपस्थित थिले। आज पर्यटन दिवस अटी पालन करा जाउछि नेहरू युवा केन्द्र तरफरु एठी पर्यटन दिवस पालन करा जाउछि। आमर उद्देश्य सकाळ आमे आसी एठी सफा कलु स्वच्छ भारत कार्यक्रम चालिथिबार सफा सफी कलु। ए पर्यटन स्थल होउछि बहुत भल जगह 1468 ख्रीष्टाब्दर एटी चलती एटी कहीं भी सरकार कौन अनुदान ठीक ना बहुत अवहेलित यह जगह बोध ओडिशा रे कौन भारत देखा विरल ये जगह ये अवहेलित अवस्था पड़ी आम युव संघ आ नेहरू युवा केन्द्र हाथ बढ़े के उन्नति हम आम हाथ को नहींचु आर के उन्नति करूँ इलेक्ट्रिक सुविधा ना पानीर सुविधा ना गमनागमन किसी भी सुविधा ना ये बहुत प्रकार बहुत नेता मंत्री आस बहुत प्रतिश्रुति कि प्रतिश्रुति किसी पालन है एठारे ओडिशा रे जेते पर्यटन स्थली रही हूँ अन्यतम प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर्ण ए जगह को जे थरे आसे से बहुबार आशा करे आ बहुत आग्रह प्रकाश करे। ओडिशा रे जेते पर्यटन स्थली अच्छी या भितर जेते गुड़े ओडिशा रे अच्छी विभिन्न पर्यटन स्थल थाई पारे किंतु मंडनगिरी तले वर्तमान समय होइछि एक ब्रेक रो ब्रेक परे आउ किछि खबर नेतांक चिराचरित प्रतिश्रुति प्रतारणा रे अतिष्ठ हेलेनी जनता एथरो आउ चलिबनी भाषणबाजी कथा आउ कामर हेबो तर्जमा नेता भी नुआ आउ कथा भी नुआ देखंतु नुआ नेता नुआ कथा केवल लाइव ओडिसा रे ब्रेक परे स्वागत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे गरीब हिताधिकारी को गैस संयोग नाम रे महा दुर्नीति होईछि। केंद्रापड़ा जिल्लार 9टी ब्लॉक रे ही दुर्नीति होईछि। एही घटना रे राजनगर इंडियन वितरक को निलंबन करा जायथिबा बेले एबे समग्र जिल्ला रे उज्ज्वला योजना रो संयोग बंद करा जायछि। परवर्ती निर्देशनामा जाय जिल्ला रे ही संयोग बंद रहिबो बोली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पक्षरु निर्देशनामा जारी होईछि। जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे अन्य जिलार एएचएल टी नंबर व्यवहार करा जाए जाल हिताधिकारी नाम रे गैस संयोग प्रदान करा जाउथिला एने खबर प्रकाश पाइबा पारे तैल कंपनी पक्षर खोलताड़ आरंभ होईछि। जिले में थिबा हिंदुस्तान पेट्रोलियम 10टी गैस एजेन्सी इंडियन ऑयल 10टी गैस वितरक एवं भारत पेट्रोलियम 6टी गैस एजेन्सी उपर चढ़ाव करा जाउथिला। जांच समय रे राजनगर इंडियन रे 1206टी उज्ज्वला गैस संयोग हड़प होइथिबा जणा सारा देश में खाउटी मानक पड़ी महंगा माड़ केन्द्र सरकार गतकाल रात्रि 19 सामग्री आमदानी शुक्ल बढ़ाई यार प्रभाव में एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन स्पीकर गहना सामग्री और केतेक प्लास्टिक सामग्री गतकाल आमदानी शुक्ल वृद्धि करेट इंधन आमदानी शुक्ल वृद्धि कर फल विमान जात्रा महंगा हेब यह सब सामग्री आमदानी में गत वर्ष 86,000 कोटी टंका खर्च होता चलित बर्ष आमदानी और रप्तानी मध्य अंतर वृद्धि होगा सरकार मुंड
ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ। 1980ରୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଫିସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଓ ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପକୁ ସଜାଯାଇଛି। ଆଜି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ ପରକୀୟ ପ୍ରୀତି ବା ବ୍ୟଭିଚାର ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଆଇପିସି ଧାରା 497କୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କହିଲେ କୋର୍ଟ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଠର ହେଲା ସରକାର, ଲାଗୁ ହେଲା କାମ ନାହିଁ ତ ଦରମା ନାହିଁ ନୀତି, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଲାଗୁ କଲା ନିୟମ। ତ୍ରିପୁରାରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନର 90 ବିଏଡ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଯାଜପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ବାପା ମା, ପୋଲିସର ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦ୍ୱିପହର ଖବରରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଶ ବିଦେଶର ଆହୁରି ଅନେକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାତି 8ଟାରେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆମ ବୁଲେଟିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ 8 ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।